हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद आमिर और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बारे में कुछ भी आपको जानना है, कोई भी न्यूज़ चाहिए, आपको इसी चैनल पे मिलेगी, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। रोहित का जो है वो मैंने जो उसको जितना देखा है कि वो हमेशा जो है अर्ली ऑन 8 to 10 बॉल्स वो शेकी रहता है, मतलब थोड़ा लेजी खेलता है। तो उसको टाइम मिल जाए तो वो बाद में बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन आपको एज अ बॉलर आपको बैट्समैन की वीकनेस का पता होना चाहिए कि अगर आप अर्ली ऑन उस पर उन वीकनेस को हिट कर दें तो आई थिंक आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा यही था कि अर्ली ऑन थोड़ा शेकी खेलता और वो रेडी रहता है मेरे स्विंग के लिए कि मे बी अभी अंदर आ जाएगी। तो मेरा टारगेट ये था कि अगर मैं इसको अर्ली ऑन 2-3 बाहर निकालता हूँ और फिर एक आध अंदर ले गया तो आई थिंक मुझे चांसेस हैं कि मैं इसको आउट कर सकता हूँ। और उसको अगर आप देखें भी तो आई थिंक पहले जो 2 बॉल थे वो मेरे उसको एंगल से बाहर ही गए थे, तीसरा बॉल जो है वो अपनी जगह से जब मैं उसको अंदर ले गया तो आई थिंक वो जब मैं रनअप पे पहुंचा तो बॉल को मैंने जब होल्ड किया तो मेरे जहन में एक बात आई कि आमिर साहब आज फाइनल है, डू एंड डाई है, मतलब आज जो है वो कर दो। और एक जो दिल में होता है ना कि एक प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का या ये वो, मैंने कहा यार सोचो फाइनल तुम खेल रहे हो और इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो, इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, तो जो प्रेशर है वो मैंने कहा कि मैंने इसको साइड पे रखना, मेरे पास जो है मैंने अपना डिलीवर करना है, मैंने कोई चीज़ सोचनी नहीं कि मेरे से आउट होने हैं नहीं होने। मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने अपना जो भी स्किल है आज मैंने उसको एक्सप्रेस करना है, मैंने अपना एफर्ट करना है कि आउट होगा नहीं होगा ये डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मुझे जो आता है मैंने वो करना है।